पश्चिम बंगाल में नोटों के बंडल किस किस गोशे में छुपा है इसका अंदाजा लगाने और उसे ढूंढ निकालने की जिम्मेदारी इन दिनों ईडी और सीबीआई बाखूबी निभा रही है। कोयला घोटाले मामले में बीरभूम के हैवीवेट नेता अनुब्रत मंडल की गिरफ्तारी और टीचर घोटाले मामले में पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से नोटों की बंडल की बारिश लगातार पश्चिम बंगाल में हो रही है। आज ईडी ने बालीगंज के पताका इंडस्ट्री ग्रुप के एक प्राइवेट ऑफिस में छापे मारकर 1 करोड़ से ज्यादा रुपए जब्त किया है, जो सभी 500 के बंडल है। ईडी सुबह 7 बजे से छापेमारी करके तलाशी चला रही थी और शाम के वक्त करोड़ों रुपए कैश बरामद की है। कैश बरामद होने के बाद नोट गिनने वाली मशीन भी लाई गई और पैसे की गिनती शुरू की गई। ईडी को शुभ है कि 10 से 12 दफ्तरों में इस तरह की मोटी रकम छुपी हुई है। मरकजी एजेंसी को मालूम हुआ कि कोयला घोटाले का पैसा गुजरात ग्रुप के इस कंपनी के जरिए मार्केट में लगाया गया है। इस रकम को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया गया है। ईडी जराये के मुताबिक काले धन को सफेद किया गया है और इस काले धन को सफेद करने में कई तंजीमें शामिल है जिसके जरिए काले धन को लॉन्डर किया जा रहा है। ईडी के जराये के मुताबिक गुजरात ग्रुप के ये तंजीम भी इसमें शामिल है। ईडी ने हमेशा इल्जाम लगाया है कि कोयले के इस स्मगलिंग का पैसा मुख्तलिफ हाथों से कोलकाता पहुंचता रहा है, फिर ऐसे मुख्तलिफ कंपनियों के जरिए मार्केट में लगाया गया है और इस चक्कर को छुपा कर रखा गया। ईडी जराये के मुताबिक इस मामले में कई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी शामिल है जो कारोबार में पैसा इस्तेमाल किया है। मरकजी एजेंसी इस मामले की जांच कर रही है कि पैसा कहां से आया। अकाउंट्स देखने वालों से पूछताछ की जा रही है। इस तंजीम के फंडिंग और कौन कौन इसमें शामिल है इसकी तलाशी भी जारी है। इस तंजीम के कारकनों और मैनेजरों से भी पूछताछ की जा रही है। कंपनी के अहदेदारों से पूछताछ के बाद दफ्तर से ये मोटी रकम बरामद की गई। बरामद होने वाली रकम के कुछ दस्तावेजात अब तक ईडी को हाथ नहीं लगा है।